हेलो दोस्तों, एआर देसी किचन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कढ़ाई पनीर बनाना, जो बिल्कुल ढाबे जैसे और रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाना बताऊंगी। तो ये देखिए मेरी कढ़ाई पनीर, देखिए कितनी अच्छी देखने में लग रही है और खाने में बहुत ही टेस्टी। चलिए मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए मैंने शिमला मिर्च ले लिया है, उन्हें बराबर पीस में कट कर लिया है। ये देखिए एक बड़ी कटोरी मैंने ले लिया है पनीर कट करके। ये देखिए एक कटोरी मैंने ले लिया है ग्रीन वेली, एक कटोरी मैंने सिंपल प्याज कट करके लिया और एक मैंने ये देखिए फ्राई करने के लिए, कढ़ाई पनीर बनाने के लिए ये देखिए ले लिया। तो एक कढ़ाई में मैंने ले लिया है, तेल गरम कर लिया। अब मैं उसमें प्याज को फ्राई कर दूंगी। ये देखिए मैंने प्याज इसमें डाल दिया है। मुझे प्याज को बहुत ही ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का सा फ्राई करके बस उसे निकाल लेना है। तो ये देखिए मेरा प्याज बिल्कुल हल्का सा फ्राई हो गया है। मैंने इसे एक बाउल में निकाल लिया है। मैं हमेशा ऐसी फ्राई की हुई चीज़ें बाउल में निकालती हूँ जो जार होता है, ताकि मेरा जो तेल होता है ये इसमें निकल जाए। और उसी तरह मैं अपने शिमला मिर्च को भी फ्राई कर लूँगी। शिमला मिर्च को भी ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा फ्राई करके उन्हें निकाल लेना है। ये देखिए मेरा शिमला मिर्च बिल्कुल फ्राई हो गया हल्का हल्का। मैं इन्हें भी ये देखिए निकाल लूँगी फ्राई करके। और उसी तरह मैं, जिस तरह मैंने ये सब चीज़ें फ्राई की, मैं उसी तरह ये देखिए मैंने पनीर भी उसी में डाल दिया और इसे मैं भी फ्राई कर लूँगी। मैं पनीर को भी ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करती हूँ। ये देखिए बस हल्का हल्का फ्राई कर लेती हूँ। अगर ज़्यादा मैं फ्राई कर लूँगी तो इसका स्वाद चला जाएगा, इसलिए मैं हल्का ही फ्राई कर लेती हूँ। और मैं इसे ये देखिए निकाल लिया। मैं पनीर को भी इसी जार में निकाल लेती हूँ ताकि जो इसका तेल है एक्स्ट्रा वो निकल जाए। ये देखिए मेरा सारा तेल इसमें निकल गया और मैं इसी तेल को बाद में यूज़ कर सकती हूँ। तो मैं ये देखिए मैंने उसी कढ़ाई में बनाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि इसमें भी पनीर का ऑयल निकला हुआ। तो मैंने ये देखिए 2 से 3 तेज पत्ते डाल दिए हैं। ये देखिए फिर मैं इसमें लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दूँगी। ये देखिए मैं इसे भी अच्छा थोड़ा सा हल्का सा भून लूँगी। फिर मैं इसमें कटे हुए प्याज डाल दूँगी एक कटोरी। ये देखिए मैं इसे भी अच्छे से चला लूँगी। ये देखिए हल्का हल्का मैं इसे भी भून दूँगी, बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है। ये देखिए फिर मैं इसमें डाल दूँगी एक कटोरी कटा हुआ टमाटर। ये देखिए मैंने इसमें टमाटर भी ऐड कर दिया और हल्का सा मैं इसे चला दूँगी। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। दोस्तों नमक याद रखना, क्योंकि मैं पहले डाल चुकी हूँ, बाद में अब नहीं डालना है। ये देखिए ताकि इससे मेरा प्याज अच्छे से पक जाएगा। ये देखिए प्याज टमाटर सारी चीज़ें पक जाएंगी। ये देखिए मैं इसे चला दूँगी। ये देखिए मेरा प्याज पक गया है। मैं इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दूँगी। ये देखिए ठंडा होने के बाद मैं उसे मिक्सी के जार में निकाल के पीस लूँगी। ये देखिए मेरा पेस्ट बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। तो ये देखिए मैं एक कढ़ाई में तेल लूँगी। ये देखिए फिर उसमें मैं डालूँगी बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी और ये देखिए 2 पीस लाल मिर्च। ये देखिए मैं डाल दिया। ये मेरा हल्का सा चटकने लगेगा, उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये देखिए मेरा पेस्ट जो मैंने बनाया था, ये देखिए मैं इसमें पेस्ट डाल के अच्छे से चला दूँगी। ये देखिए तो चलिए जब तक मेरा पेस्ट पकता है मैं इधर मसाले अपने तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने 2 चम्मच बड़े डाले हैं इसमें पनीर मसाला। 2 चम्मच मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला। ये देखिए मैंने इसमें गरम मसाले भी 2 चम्मच ऐड कर दिया है। और 1 चम्मच मैं इसमें ऐड कर दूँगी हल्दी पाउडर। ये देखिए और 1 चम्मच मैं इसमें ऐड कर दूँगी धनिया पाउडर और 1 चम्मच मैं इसमें ऐड कर दूँगी काश्मीरी मिर्च। फिर मैं इसमें पानी डाल के इसे चला दूँगी। ये देखिए मैं मसाला हमेशा पानी गीला ही यूज़ करती हूँ, ताकि मेरा मसाला अच्छे से पक जाए और जले ना। ये देखिए मैंने पेस्ट में अपना सारा मसाला डाल दिया है। ये देखिए और इसे अच्छे से भून लूँगी। मैं तब तक भूनूँगी जब तक इसका तेल नहीं निकलने लगता है। तो ये देखिए मेरा मसाला बिल्कुल पक गया है। ये देखिए बिल्कुल तेल निकलने लगा, ऊपर तक आ गया। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये देखिए शिमला मिर्च और प्याज, ग्रीन वैली। मैं इसमें सभी चीज़ें अच्छे ऐड करके अच्छे से चला दूंगी। ये देखिए ये सब पक गया अच्छे से। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी मैं फ्राई की हुई पनीर। ये देखिए मैं इसे भी अच्छे से भून लूँगी। ये देखिए मुझे चला के अच्छे से भून लेना, ताकि सारा मसाला और ये पनीर सब एक में मिल जाए। ये देखिए देखिए कितना अच्छा भून गया है। ये देखिए सभी चीज़ें अच्छे से भून लेना है हमें। ये देखिए एकदम बढ़िया सा पक गया है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। मैं इसमें अब ऐड कर दूंगी पानी। ये देखिए पानी हमें उसी हिसाब से ऐड करना जितना आपको ग्रेवी चाहिए। ये देखिए अब मैं इसे अच्छे से चला के इसको थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी। ये देखिए मेरी पनीर बिल्कुल तैयार होने को आई है। तो ये देखिए मेरी पनीर बिल्कुल बन के रेडी हो गई, देखने में कितनी अच्छी लग रही है। तो ये खाने में भी बहुत टेस्टी होगी। मैं अब इसमें ऐड कर दूंगी धनिया पत्ता। ये देखिए और ये देखिए कितना अच्छा देखने में लग रहा है। अब इसे गरम गरम सर्व करिए। तो देखिए मेरी कढ़ाई पनीर बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो इसे एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।